आतंकी हमला है और साथ ही क्या एक बार फिर से सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने की साजिश। लेकिन पास से ही सुरक्षा बलों का काफिला गुजर रहा था, क्या एक बार फिर से साजिश है सुरक्षा बलों पर हमला करने की? अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन धमाके के बाद से हाईवे पर अफरा तफरी है। जाहिर तौर पर कुछ इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया होगा और वहां से यातायात प्रभावित होने की वजह से शायद अफरा तफरी इस वक्त वहां पर। लेकिन कितना बड़ा यह धमाका है, क्या इसकी इंटेंसिटी थी, तीव्रता थी, क्या इसी के साथ नुकसान हुआ है आसपास कहीं, ये सब हम आपको बताएंगे जैसे ही और जानकारी इस मुद्दे पर आती है। क्योंकि याद होगा आपको, इससे पहले पुलवामा में आतंकी हमला जिसमें आरडीएक्स से लैस एक गाड़ी का जवानों के काफिले से टकराने के बाद 40 से ज्यादा जवानों की शहादत ने इस देश की सियासत को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इन सब के बीच अगर एक बार फिर से ऐसा आतंकी हमला हुआ है तो उसकी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। अशरफ, क्या जानकारी है, कितना बड़ा धमाका, क्या किसी नुकसान का भी अंदेशा? अशरफ अंजना, अभी तक तो किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन काफी संवेदनशील इलाका है जम्मू श्रीनगर हाईवे, जिस पर 14 फरवरी को इसी तरह का एक ब्लास्ट हुआ है। तो ये जो खबरें आ रही है कि एक सेंट्रो कार थी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानिहाल के पास, जो जवाहर टनल के उस तरफ जम्मू के इलाके में आता है, वहां पर ये ब्लास्ट इस कार में हुआ है। और पास ही वहां पर तो उस वक्त कोई आर्मी कार्रवाई नहीं गुजर रही थी, लेकिन कुछ दूर वहां से आर्मी कार्रवाई गुजरने वाली थी, क्योंकि यही समय होता है जब सेना की का काफिला या सेना की कार्रवाई जो होती है करीब 500-600 गाड़ियों का, वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसी समय से श्रीनगर से जम्मू की ओर जाता है। तो कुछ दूर डिस्टेंस पे जो ये कार्रवाई सेना का था वो था, लेकिन उस बीच कार में ब्लास्ट हुआ है। अब पुलिस और सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर ब्लास्ट साइट पर गए हैं, वहाँ पर और तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि फिलहाल इसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कार में किस तरह ये ब्लास्ट हुआ, क्या किसी ने कार पार्क करके रखी थी या वहाँ पर कार लाई गई थी बारूद भर के,